हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अनुप यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल द अपेक्स क्लासेज में आपका स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ सभी बढ़िया होंगे, सभी की बढ़िया क्लास चल रही होगी। देखो दोस्तों, आज हम एक हरियाणा जीके से टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है हरियाणा का गठन, यानी हरियाणा की स्थापना की ज़रूरत क्यों पड़ी और इसकी स्थापना करने के लिए किस किस कमेटी का गठन हुआ था, हरियाणा को बनने के लिए किन किन परेशानियों से गुजरना पड़ा था, उनकी सभी की जानकारी आज हम इस छोटी सी क्लास में लेंगे दोस्तों। तो देखो सबसे पहले ज़्यादा टाइम ना खराब करते हुए हम बात करते हैं हरियाणा से। यदि आप चैनल पे नए हो तो अपने चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और एक लाइक का बटन ज़रूर दबा दे दोस्तों। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं हरियाणा के गठन की। उससे पहले देखो जो हरियाणा है, हरियाणा पंजाब में शामिल कब हुआ था, पंजाब में शामिल कब हुआ था और क्यों किया गया था शामिल। तो देखो 1857 की जो क्रांति हुई थी, उस 1857 की क्रांति में फिर अंग्रेजों ने अपने भारत पर पूर्ण कब्जा कर लिया था और क्या किया उन्होंने, जो 1857 यानी 1857 में जो हरियाणा था वो किसका हिस्सा था दोस्तों, यूपी का हिस्सा था दोस्तों, यूपी का हिस्सा था, यूपी में शामिल था। पंजाब की कुछ रियासतें थी, देसी रियासतें, आपने सुना होगा नाभा और पटियाला। इन रियासतों ने क्या किया था दोस्तों, इन रियासतों ने अंग्रेजों का साथ दिया 1857 की क्रांति में, तो इससे खुश होकर अंग्रेजों ने उनको हरियाणा का जो क्षेत्र है ना उनको दे दिया था कि भाई आप इन पर अपना अधिकार कर लो और इन पर कब्जा करके और इन पर शासन करो। तो देखो कब शामिल किया, तो शामिल किया था दोस्तों फरवरी 1858 में हरियाणा को पंजाब में मिला दिया। क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि भाई हरियाणा पंजाब का हिस्सा कब बना, तो हरियाणा पंजाब का हिस्सा बना था दोस्तों फरवरी 1858। 1858 से पहले हरियाणा किसका हिस्सा था, तो 1858 से पहले हरियाणा यूपी का हिस्सा था दोस्तों, उत्तर प्रदेश का हिस्सा था दोस्तों। अब बात करते हैं पंजाब में शामिल हो गया 1858 में। अब बात करते हैं दोस्तों एक है 1926 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का एक सदस्य था जिसका नाम है भाई पीरजादा मोहम्मद हुसैन। पीरजादा मोहम्मद हुसैन ने क्या किया कि सबसे पहले मांग की थी कि जो हरियाणा है ना, हरियाणा को पंजाब से हटाकर किस में शामिल कर दिया जाए दोस्तों, दिल्ली में शामिल कर दिया जाए। इन्होंने सबसे पहले मांग की थी कि जो पंजाब से हरियाणा को हटाकर किस में शामिल कर दे, हमें हरियाणा में शामिल कर दे। तो अगर पूछ ले भाई सबसे पहले दिल्ली में शामिल करने की मांग किसने की थी हरियाणा को, तो वो की थी दोस्तों अखिल मुस्लिम लीग के जो सदस्य थे पीरजादा मोहम्मद हुसैन ने। अब बात करते हैं भारत आज़ाद हो गया। हाँ पूछ लेते हैं कई बार कि भाई आज़ादी के समय, भारत की आज़ादी के समय हरियाणा किसका हिस्सा था, तो भारत की आज़ादी के समय हरियाणा पंजाब का हिस्सा था दोस्तों, पंजाब का हिस्सा था, यानी 1947 में किसका हिस्सा था हरियाणा, तो वो भी पंजाब का ही हिस्सा था दोस्तों। अब देखो क्वेश्चन आता है कि आज़ादी के बाद हरियाणा को अलग करने की मांग किसने की, तो आज़ादी के बाद हरियाणा को अलग करने की मांग की थी दोस्तों मास्टर ताराचंद ने। दोस्तों ताराचंद ने सबसे पहले आज़ादी के बाद 1948 में इन्होंने अपने एक समाचार पत्र अजीत में लिखा था कि भाई सिख राज्य को अलग बना दिया जाए। इन्होंने हरियाणा की मांग नहीं की, इन्होंने क्या किया था कि जो सिख धर्म के लोग हैं ना उनको अलग कर दिया जाए और जो बचे हुए हिंदी यानी हिंदू लोग हैं उनको, जो हिंदी बोलते हैं उनको अलग किया जाए, तो सिख राज्य बनाने की मांग की। ठीक, जो पंजाब से थे उन्होंने इनका साथ दिया भाई मास्टर ताराचंद का कि भाई सिख राज्य अलग बनाया जाए, जो हिंदू क्षेत्र थे उन्होंने अलग हरियाणा बनाने की मांग की थी दोस्तों। तो 1949 में पंजाब के जो सीएम बने थे वो थे दोस्तों भीम सेन सच्चर।
भीम सिंह सचर 1949 में हरियाणा और पंजाब, जो उस टाइम पंजाब था, उसके मुख्यमंत्री बने। उनके सामने बहुत बड़ी समस्या आ गई थी, क्योंकि एक तरफ तो सिख धर्म के लोग अलग राज्य की मांग कर रहे थे, एक तरफ हिंदू धर्म के लोग जो अलग राज्य की मांग कर रहे थे दोस्तों। तो इन्होंने 1 अक्टूबर 1949 में एक फॉर्मूला अपनाया, जिसका नाम था दोस्तों सच्चर फॉर्मूला। पूछ लेता है, बहुत ज्यादा बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों ये, कि सच्चर फॉर्मूला की स्थापना कब हुई थी। तो सच्चर फॉर्मूला की स्थापना, ध्यान रखना, एक है 1 अक्टूबर 1949 में सच्चर फॉर्मूला आया था। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने पंजाब को दो हिस्सों में बांट दिया। एक तो पंजाबी, यानी जो पंजाबी बोलते हैं वो, और एक वही हिंदी, जो हिंदी बोलते हैं, जो पंजाबी बोलते हैं उनकी दूसरी भाषा कर दी हिंदी। जो पंजाबी धर्म, जो सिख धर्म के लोग हैं जो पंजाबी बोलते हैं, उनकी दूसरी भाषा क्या कर दी दोस्तों, हिंदी। जो हिंदी बोलते हैं उनकी पहली भाषा हिंदी, दूसरी भाषा क्या कर दी दोस्तों, पंजाबी। ठीक, अब देखो इनकी भाषा तो अलग अलग कर दी, लेकिन जब बात आ जाए ऑल ओवर दोनों की, तो इन्होंने पंजाबी को प्रमुख दर्जा दिया दोस्तों, पंजाबी को प्रमुख दर्जा दिया। तो जो हिंदी धर्म के या हिंदू धर्म के लोग थे, हिंदी बोलने वाले लोग, उन्होंने इसको मना कर दिया, भाई हम इस सच्चर फार्मूले को नहीं मानेंगे दोस्तों, सच्चर फार्मूले को नहीं मानेंगे। तो भीम सिंह सच्चर द्वारा जो सच्चर फार्मूला था वो फिर कैंसिल करना पड़ा दोस्तों। आगे देखो, उसके बाद क्या हुआ था, आगे आता है फजल अली आयोग, यानी पूरे देश में राज्य पुनर्गठन आयोग की मांग उठने लगी। राज्य पुनर्गठन आयोग की मांग उठने लगी, और राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, याद रखना, 22 दिसंबर 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की मांग हुई। हरियाणा जीके में आपको 29 दिसंबर मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हरियाणा जीके में 22 दिसंबर नहीं 29 दिसंबर दे रखा, और असलियत में ये जो राज्य पुनर्गठन आयोग है ना, इसका हरियाणा से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि उन राज्य पुनर्गठन आयोग में हरियाणा को अलग नहीं किया गया। इसमें जो देश के राज्यों का बंटवारा हुआ था दोस्तों, देश के राज्यों का बंटवारा हुआ था, तो राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया। इसका अध्यक्ष कौन था दोस्तों, सैयद फजल अली खान। इनकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग ने पूरे देश में घूम फिरकर और एक रिपोर्ट बनाई, और रिपोर्ट कब सौंपी दोस्तों, 30 दिसंबर 1955 को रिपोर्ट सौंपी थी, कि भाई ऐसे ऐसे करके इतने इतने राज्य बनाए जाएं, कुछ केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाएं दोस्तों। याद रखना, 30 दिसंबर 1955, ये रिपोर्ट, ये जो डेट है, ये सारे नेशनल जीके से संबंधित, हरियाणा जीके में भी यही पूछते हैं, 30 दिसंबर 1955 को ये रिपोर्ट इन्होंने सौंप दी। अब क्वेश्चन आता है, राज्य पुनर्गठन आयोग, या इसी का ही नाम आता है दोस्तों फजल अली आयोग, क्योंकि जो अध्यक्ष होता है उस अध्यक्ष के नाम पर ही इस गठन आयोग का गठन कर दिया जाता है। और देखो दोस्तों, फजल अली आयोग में कितने सदस्य थे, तो 3 सदस्य थे, नंबर 1 फजल अली नंबर 2 हृदय नाथ कुंजरू, तीसरा था एम पाणी कक्कर। ये 3 सदस्य थे दोस्तों फजल अली आयोग। दूसरा ये फजल अली था, दूसरा ये हरदयनाथ कुंजरू था, तीसरा एम ए पाणी कक्कर था। याद करने की अगर ट्रिक भी देख लो, तो फजल अली ने हृदय पर हाथ रख कर पानी पिया। ये अपनी खुद की ट्रिक है दोस्तों, ऐसे आप याद कर सकते हो, फजल अली से फजल अली, ठीक, सैयद फजल अली खान, हृदय से हृदयनाथ कुंजरू, और पानी से पानी कक्कर।
हम देखते होंगे कुछ कुछ व्यक्ति जो बुजुर्ग व्यक्ति हृदय पर यानी छाती पर हाथ रखकर पानी पीते हैं, तो उसी तरह ये ट्रिक भी बन गई है, फजल अली ने हृदय पर हाथ रखकर पानी पिया। अब देखो ये क्या था दोस्तों, इन्होंने जब सैयद अली खान ने एक रिपोर्ट सौंपी थी उसमें 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग की वो जो रिपोर्ट थी वो मान ली गई, और पूरे भारत में कितने राज्य बनाए गए, तो पूरे भारत में राज्य बनाए गए दोस्तों 14 राज्य प्लस में 6 केंद्र शासित प्रदेश, 6 केंद्र शासित प्रदेश। इससे हरियाणा राज्य को कोई फायदा नहीं है क्योंकि न तो पंजाब अलग हुआ न हरियाणा अलग हुआ, कुछ नहीं हुआ, सेम पंजाब एक राज्य बनाकर 14 राज्यों में उनके सामने ला दिया दोस्तों। तो इससे हरियाणा जो राज्य था, हरियाणा के जो लोग थे उनको कुछ फायदा नहीं हुआ। अब पूछ लेता है कि ये जो 14 राज्य प्लस में 6 केंद्र शासित प्रदेश है किस संविधान संशोधन के तहत हुए थे, तो ये हुए थे 7वीं संविधान संशोधन 1956 के तहत। 7वीं संविधान संशोधन 1956 के तहत 14 राज्य प्लस में 6 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। ठीक है दोस्तों, जब शुरू में हरियाणा जिक्के शुरू हुई थी तो उस टाइम कई बुक्स में आता था कि हरियाणा का गठन किस संविधान संशोधन के तहत हुआ, तो उसमें लिखा जाता था 7वां, जो वो गलत है दोस्तों। इस 7वीं संविधान संशोधन के तहत तो 1956 में 14 राज्य प्लस में 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, तो ध्यान रखना इसके बारे में। आगे देखो दोस्तों, अब इस फजल अली आयोग से भी हरियाणा को कोई फायदा नहीं हुआ दोस्तों। अब देखो 1956 के बाद देखो हरियाणा भारत में जो राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद, और राजेंद्र प्रसाद ने एक क्षेत्रीय फार्मूला लागू हुआ। कब हुआ दोस्तों ये 22 जुलाई 1956 में क्षेत्रीय फार्मूला लागू हुआ था दोस्तों। ठीक है, तो पूछ लेता है क्षेत्रीय फार्मूला कब लागू हुआ, तो 22 जुलाई 1956 में। आगे क्वेश्चन आता है कि भाई किस व्यक्ति ने हरियाणा राज्य बनाने के लिए आमरण अनशन किया था, तो वो था दोस्तों संत फतेह सिंह। संत फतेह सिंह ने हरियाणा राज्य की मांग यानी हरियाणा को नया राज्य अलग राज्य बनाने की मांग करने के लिए उन्होंने आमरण अनशन किया था 1965 ईस्वी में, और उस टाइम जो प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, आपने देखा होगा 1965 में भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध हो रहा था उस पर लाल बहादुर शास्त्री जी ने क्या किया कि इनसे आश्वासन दिया था कि जैसे युद्ध समाप्त होगा हम आपकी मांग मान लेंगे, आप अब अपने आमरण अनशन को समाप्त कर दो। तो इन्होंने उनकी बात मान ली और आमरण अनशन को समाप्त कर दिया 1965 में। 1966 में जैसे 1966 में युद्ध समाप्त हो गया था 65 में ही, तो इन्होंने दोबारा कहा कि 15 दिन के अंदर हरियाणा राज्य बनना चाहिए, नहीं तो मैं अपने खुद आत्महत्या कर लूँगा। तो ये पंजाब और जो हरियाणा के जो लोग थे इनके फैन बन गए थे दोस्तों, और इनकी सारी बातें मान ली गई। कैसे मानी गई वो देखो अब पूछ लेते हैं कि भाई किसने हरियाणा की स्थापना के लिए आमरण अनशन किया था, तो वो था दोस्तों ये संत फतेह सिंह ने आमरण अनशन किया था दोस्तों। अब देखो 1966 में लोकसभा का अध्यक्ष था कौन, लोकसभा का अध्यक्ष था दोस्तों सरदार हुकुम सिंह लोकसभा के अध्यक्ष थे। उन्होंने एक कमेटी बनाई थी दोस्तों, हुकुम सिंह कमेटी, और इस हुकुम सिंह कमेटी ने पंजाब राज्य सीमा आयोग की गठन किया था दोस्तों, सीमा आयोग का गठन किया हुकुम सिंह कमेटी ने, क्या किया दोस्तों पंजाब राज्य सीमा आयोग का गठन किया, और इस कमेटी ने एक आयोग बनाया दोस्तों, एक आयोग बनाया था, इसी का ही दूसरा नाम है दोस्तों, इसका अध्यक्ष मान लो जेसी सा आयोग या जेसी सा व्यक्ति का नाम था, ये एक
वकील थे, वकील नहीं न्यायाधीश मान लिए, न्यायाधीश थे। उन्होंने क्या किया था दोस्तों, एक इस राज्य सीमा आयोग का दूसरा नाम सा आयोग भी था, सा आयोग था दोस्तों। तो पूछ लेता है सा आयोग में कितने सदस्य थे, तो सा आयोग में 3 सदस्य थे, नंबर 1 जेसी सा, दूसरा एम फिलिप और तीसरा था दोस्तों एस ए दत्त। नंबर 1 जेसी सा, नंबर 2 एम फिलिप और तीसरा था दोस्तों एस ए दत्त। ये 3 व्यक्ति थे जिन्होंने सा आयोग में काम किया, राज्य सीमा आयोग में काम किया था दोस्तों। अब देखो इसमें कुछ इम्पोर्टेंट बात आ जाती है। बात है 31 मई 1966 में क्या हुआ था दोस्तों, इसको राज्य और पंजाब और हरियाणा को अलग करने के लिए जो सीमा का गठन हो चुका था, ठीक 17 सितंबर 1966 में ये विधेयक पारित हो गया था दोस्तों। विधेयक पारित यानी लोकसभा और राज्यसभा में इसके बारे में विधेयक पारित कर दिया था कि भाई पंजाब से अलग करके के हरियाणा राज्य बनाया जाए। और फिर 1 नवंबर 1966 को राष्ट्रपति ने भी साइन कर दिए, हस्ताक्षर कर दिए। और फिर हरियाणा 18वें संविधान संशोधन के तहत भारत का 17वां नया राज्य बन गया दोस्तों। 18वें संविधान संशोधन के तहत 17वां नया राज्य बन गया दोस्तों हरियाणा, ठीक है दोस्तों। अब देखो इसमें जब हरियाणा अलग हुआ था तो पंजाब का लगभग 35.18% हिस्सा पंजाब का हरियाणा को दे दिया। कितने जिले मिले थे हरियाणा को उस टाइम में, 7 जिले मिले थे, जो हमने पहले भी इसकी बात की थी। कौन कौन से थे एक बार देख लेते हैं इनको। तो वे जिले थे दोस्तों जेके, एमगढ़, महेंद्रगढ़ को ऐसे लिखते शॉर्ट रूप में जेके एमगढ़। तो जे से जींद, के से करनाल, एम से महेंद्रगढ़, जी से गुरुग्राम, ए से अंबाला, आर से रोहतक और एच से हिसार दोस्तों। सबसे पहले जींद, करनाल, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, अंबाला, रोहतक और हिसार, ये 7 जिले मिले थे हरियाणा के गठन के समय हरियाणा को दोस्तों। इसमें सबसे छोटा, देखो हम जब भी लाइन लगाते हैं सबसे छोटे बच्चे को सबसे आगे करती हैं और सबसे बड़े बच्चे को सबसे पीछे करती हैं। तो सबसे बड़ा ये है दोस्तों उस टाइम और सबसे छोटा ये था। तो इस तरह हरियाणा का गठन हुआ था दोस्तों। तो कैसी लगी आपको ये क्लास, आगे हम इसी तरह हरियाणा जी के आपको कंप्लीट करवाते रहेंगे। कोई भी दिक्कत आए तो अपने कमेंट में ज़रूर बताना दोस्तों। जल्दी से जल्दी इसको सब्सक्राइब करना और जितने भी आपके स्टडी ग्रुप हैं उनमें शेयर करना दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।